तो 1,20,000 में बेस टू टॉप बना दिया आपने। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, बेस वेरिएंट में पुश स्टार्ट बटन। भैया वो प्रीमियम भी मांग रहे थे तो मैंने उनसे कहा 40-45,000 की आप जो भी एक्सेसरी देनी है, आपने जितनी भी देनी है आप वो दे दो। अरे भैया अरे भैया, मैं क्या देख रहा हूँ, ये बेस वेरिएंट में अपने हिसाब का काम भाई, अपने हिसाब पे होता है, वो टॉप मॉडल में नहीं ले सकते आप। फोल्ड मिरर है? हाँ, ऑटो फोल्ड मिरर है कंपनी से। ओ भैया ये बेस वेरिएंट है यार, ये देख लो भाई। अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का, ये देखो ठीक है। और अभी मैं फोकस कर लेता हूँ, पहले हो गया। अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का, और अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का। हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आपके लिए सामने निकला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और आज इस गाड़ी का हम प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस गाड़ी के ओनर से कि ये गाड़ी कब ली है, कितने में उनको पड़ी है, और मेन बात है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ही क्यों। अब भाई ज्यादा देरी नहीं करते और सीधे इनके ओनर को इन्वाइट करते हैं। तो क्या है भैया? बढ़िया भैया। नाम बता दो। शिवम नाम है भैया। शिवम भाई, शिवम भाई जरा ये बता दो गाड़ी की डिलीवरी कब ली थी। भैया मेरे को 1.5 महीना हो गया गाड़ी की डिलीवरी लिए हुए, 19 तारीख को ली थी। वेरिएंट कौन सा है? ये बेस वेरिएंट है, सबसे बेस वेरिएंट जो आता है। कितने में पड़ी थी ये? मेरे को 14 की पड़ गई थी। एक्चुअली मेरे को एक्सेसरीज कुछ इस पे लगवानी पड़ी जल्दी डिलीवरी लेने के लिए, तो 14 की पड़ी मेरे को। तो एक्सेसरीज कितने की लगवाई थी? मैंने इसके ऊपर 40-45,000 रुपए की एक्सेसरी मेरे को लेनी पड़ी। भाई आपने बोला बेस वेरिएंट, तो एलोए? एलोए भाई मैंने इसके अंदर, ये बेस वेरिएंट है, लेकिन जिन व्यूअर्स को पता होगा इसके अंदर कुछ भी मतलब बहुत सारा काम ऐसा है जो कि टॉप में होता है। मैंने पूरी बेस टू टॉप करोलबाग से करवाई है। अच्छा, ये बेस टू टॉप है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और बेस टू टॉप में खर्चा कितना किया था आपने? मेरा भाई टोटल जितना भी काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है 1,20,000 रुपए का काम हुआ था। तो 1,20,000 में बेस टू टॉप बना दिया आपने? हाँ जी हाँ जी। कुछ फीचर्स होंगे जो नहीं? हाँ, जो थोड़े बहुत जो नहीं हो सकते, जैसे क्रूज कंट्रोल है वो लग नहीं सकता, सनरूफ है वो तो लग नहीं सकती, छत कटवानी पड़ेगी, वो चीजें। Okay. और एक हाइब्रिड जो सिस्टम पूरा उसके अंदर आता है वो भी नहीं लग सकता। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें जितनी चीजें जो लग सकती थी मैक्सिमम वो सारी लगवा ली इसमें। ओके ठीक है भाई, एलोए पे ही आ जाते हैं सबसे पहले। चलो एलोए की बात अभी करेंगे। यार मुझे ये बताओ हेडलैम्प्स में कुछ चेंजेस कराए थे? हाँ जी भैया, इसके अंदर हेलोजन आती है, उसका तो बहुत ही बेकार थ्रो है, तो मैंने इसके अंदर एलईडी अपग्रेड करवाई थी। ठीक है, और ये ऊपर डीआरएल, इसमें डीआरएल इसके अंदर आती है बेस से ही। बेस ही डीआरएल? बेस से ही आती है। और ग्रिल वगैरह ग्लॉसी आती है? ग्रिल ग्लॉसी आती है इसके अंदर। नीचे स्किड प्लेट? बिल्कुल ये वाली लगवाई है, ये आती है इसके अंदर, सिल्वर पार्ट जो है। हाँ। ये वाला, ये जो इतना पार्ट है ये उसमें मैंने एक्सेसरी में लिया था, तो ये टॉप मॉडल में आता होगा। अच्छा, ये लिया आपने मारुति से ही? मारुति से। भैया सबसे पहले मुझे यही बता दो एक्सेसरीज में आपने क्या क्या लिया है। एक्सेसरीज में मैंने ये लिया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, मेरे को नाम नहीं पता इन पार्ट्स का, मैं दिखा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। लिया था, और ये पार्ट इन्होंने दिया था मेरे को, ये स्किड प्लेट और ये चीज जो पियानो का पार्ट। ये पार्ट ज्यादा? हाँ, कितने में बताया? 40-45,000 रुपए। 40-45,000 में ये दिया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो प्रीमियम भी मांग रहे थे तो मैंने उनसे कहा 40-45,000 की आप जो भी एक्सेसरी देनी है, आपने जितनी भी देनी है आप वो दे दो। एटलीस्ट प्रीमियम से थोड़ा हाँ बेनिफिट ही रहता है, एक्सेसरी मिल जाए उसमें। ठीक है भाई, बेस वेरिएंट का कैसे बनता है ये बताओ। देखो इसके अंदर ना ग्रैंड विटारा, मतलब इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा एक ऐसी कार है जो वैल्यू फॉर मनी है, मतलब बेस वेरिएंट में ही। इसमें अभी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आप कहोगे बेस वेरिएंट ही लग ही नहीं रहा, मतलब इतने फीचर उन्होंने बेस वेरिएंट में दे दिए नेक्सा ने कि मतलब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगती है। इसलिए मैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। बिल्कुल भाई, बेस वेरिएंट। हाँ जी, कितने की पड़ी थी आपको? 14 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ गई थी। अच्छा जी। हाँ जी, बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट का, ये नेक्सा भी कुछ अलग अलग चीज करती है, नेक्सा का ही प्रोडक्ट है ना? बिल्कुल नेक्सा। ओके, और जो कमी थी वो आपने पूरी करा ली? बिल्कुल, मेरे को जो जो कमी लगी वो मैंने बाहर से करा लिया काम, फिर अपने हिसाब से। अपने हिसाब का काम भाई, अपने हिसाब पे होता है, वो टॉप मॉडल में नहीं ले सकते आप। हाँ ये बात भी। हाँ। यार टॉप मॉडल कितने का पड़ता है इसका? टॉप मॉडल इसका कुछ ऐसे ही है, 17-18 लाख तक है। अच्छा। हाँ। तो 17-18 ना करके आपने 15 के आसपास में गाड़ी को टॉप बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भैया एलोए पे आते हैं, आप जरा साइज बता दो कंपनी से। तो व्हील कैप वो मिलेंगे? व्हील कैप, व्हील कैप मिले थे स्टील रिम के साथ। क्या साइज था टायर का उनका? 17 इंची। यही सेम टायर में ही एलोए लगते हैं, टॉप मॉडल तक यही साइज है। अच्छा, टॉप तक यही साइज है? टॉप तक। सारी चीजें ऐसी दे दी ना जिसमें ज्यादा बदलाव ना करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, टायर वही है, मैंने सिर्फ एलोए लगवाए बाहर से। एलोए कहाँ से लगवाए? करोलबाग से ही काम हुआ था सारा। कितने की पड़े थे? मेरे को ऐसे स्पेसिफिक किसी चीज का वो याद नहीं है, लेकिन मेरा टोटल जो काम हुआ था 1,20,000 में, यही कुछ 30-32,000 रुपए के एलोए पड़े थे मेरे को वहां से। अच्छा, लेकिन उन्होंने वो कुछ चार्जेस उनके लगाने के लेबर वेबर जो ली थी वो पड़ गई थी थोड़ी, 1,500-2,000 रुपए वो ले थे उन्होंने, वही 34 तक मान लो आप। ओके। हाँ। भाई आपने बोला था कि ग्रैंड विटारा ये एक अपने सेगमेंट में ऐसी गाड़ी है जो वैल्यू फॉर मनी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, पावर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे लग रहा है 100 bhp आई थिंक मिलती है इसमें। हाँ पावर भाई, देखो नेक्सा ने मतलब बढ़िया काम कर रखा है, अगर पावर थोड़ी सी कम कर रखी है तो उसकी एवरेज जो है वो अच्छी है। हाँ। मतलब ये पेट्रोल में एवरेज निकाल देती है, सिटी में 12-13 तक 14 तक निकाल देती है। और हाईवे पे? हाईवे पे 18 तक एवरेज है इसकी, पेट्रोल गाड़ी में बहुत बढ़िया एवरेज होती है 18। भाई देखो मारुति है तो कॉम्प्रोमाइज जहाँ मतलब कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वहाँ कुछ अच्छा भी मिल रहा है। बिल्कुल, और माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब लगा लो तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, जैसे बिल्ड क्वालिटी पे। बिल्कुल, तो बिल्ड क्वालिटी वर्ड निकल ही गया तो जरा बिल्ड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी भाई
फोर स्टार मिली हुई है इसको, मतलब ब्रेजा का एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है, ब्रेजा की जो जैसी है उसी को एक्सटेंड करके बनाया हुआ, तो उनकी मतलब एस्क्रोस और ब्रेजा ही थी मारुति की जो गाड़ी है जिनपे मतलब थोड़ा ट्रस्ट कर सकते, हाँ ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ थोड़ी बिल्ड क्वालिटी ठीक होगी। स्विफ्ट विफ्ट की तो बहुत ही डाउन है, मतलब इसकी ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी दरवाजे वरवाजे हल्के होने की बात होती है, उन्हें डैम्पिंग करवाई रखी ट्रिपल लेयर एक दरवाजे में। ओके मतलब इतना है, फोर स्टार रेटिंग मिली हुई है। हाँ अच्छा क्या बात है, मारुति की गाड़ी को फोर स्टार। प्लेटफॉर्म जो है ना इसका ब्रेजा का एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म ही है, एस्क्रॉस और ब्रेजा दोनों को फोर स्टार मिले हुए हैं, तो मतलब उसी के ऊपर बनी हुई है तो फोर स्टार मान ही लो आप इसको। कितने किलोमीटर भाई चला लिया आपने? मैंने अभी चलाई है इसको 3500 किलोमीटर कुछ चला लिया। अच्छा अभी 3500 चले, कितने महीने हुए? 2-3 महीने, डेढ़ महीना हुआ है। डेढ़ महीना हुआ है ठीक है, तो अभी तो इसकी कोई मेजर सर्विस भी नहीं हुई है? नहीं नहीं, चेकअप भी नहीं हुआ है मुझे, फ्री फ्री हुई है बस, वो हजार वाली वो चेकअप ही होता है बस, वही हुआ। यार मुझे ये बताओ मारुति की आफ्टर सेल सर्विस कैसी होती है? बढ़िया भैया, देखो मारुति की सर्विस और नेक्सा की सर्विस दोनों डिफरेंट है, मतलब सर्विस की इनके वो भी डिफरेंट है, मतलब जहाँ पे करवाने जाते हैं सर्विस सेंटर भी डिफरेंट है। अच्छा। तो नेक्सा में एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेते हो अगर आप, तो आपको प्रीमियम सर्विस मिलेगी, ऐसा भी कुछ ये चीज है। हाँ ओके, मैं भी भाई अभी नेक्सा का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जिमनी, हाँ तो फील तो कर रहा हूँ मैं भी, प्रीमियम तो है वहाँ, मतलब थोड़ा लगता है कि मतलब मारुति पे पहले बंदा जाता था 10 लाख रुपए लेके जाता था, इससे ऊपर नहीं लेनी गाड़ी। नेक्सा ने एक अपना निकाला है कि बंदा 30 लाख भी लेके जाता है इनविक्टोन की लेने के लिए, तो उसके हिसाब से वो सर्विस सेंटर में अपनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है, जैसे इनकी इन्होंने सुजुकी इनविक्टो जो निकाली, हाँ इनविक्टो जो निकाली है। भाई शीशे भी टिंट विंट हो रखे हैं क्या? नहीं भैया शीशे इसमें टिंट करवाए हैं मैंने, लेकिन ये वही है नॉर्मल वाले जो ग्रीन टिंट होती है। तो ये कंपनी से आते क्या? नहीं 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 करवाई थी। अच्छा करवाई थी। भाई जरा थोड़ा पीछे के लुक पे बात कर लेते, इसके टेल लैंप ऑन करना एक बार, बेस वेरिएंट पे चेंज थोड़ी कराए हैं आपने? नहीं 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 कुछ भाई, भाई ये देख रहे हो बेस वेरिएंट में ऐसे टेल लैंप मिल जाते हैं। भाई मैंने एक रील शूट की थी जिसमें मैंने बताया था कि जीप कंपस, कंपस है कौन सी थी वो? जीप कंपस ही थी शायद, जीप कंपस थी ना वो, या मेरिडियन, मेरिडियन वाले जो इसके टेल लैंप लगते हैं आपने? हाँ, देखे मेरिडियन के? हाँ हाँ वो पीछे तो कनेक्टेड लगते हैं ना। हाँ कनेक्टेड है, ऐसे बहुत गाड़ियों में मतलब एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है कि मतलब लगता है कि हाँ थोड़ी मतलब नई गाड़ी है, क्योंकि हाँ, दो पीछे से कनेक्टेड जो टेल लैंप है ना इसके बहुत बढ़िया लुक देते हैं। भाई इस गाड़ी का नाम देख के ना सबसे पहले तो मुझे याद आया था कि इस गाड़ी में 3-3 नाम छुपे हुए हैं, जरा पढ़ के बताओगे कौन कौन? भाई वो भाई लोग, चलो एक काम करते हैं आप लोग कमेंट्स में पढ़ के बताओ। भाई अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का, ये देखो ठीक है, और अभी मैं फोकस कर लेता हूँ, पहले हो गया, अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का, और अब बताओ क्या नाम है इस गाड़ी का। तो भाई इसमें थोड़े मतलब फन फैक्टर जुड़ा हुआ है, मतलब रील व्हील बहुत तगड़ा फन फैक्टर है भाई, एक ही गाड़ी में 3-3 नाम और तीनों नाम ऐसे मतलब, हाँ, क्या ही मतलब बोलो? कुछ और ही निकलता है उनका। हाँ यार वो तीनों का मतलब सेक्शन में ही बताएगी। हाँ यार ये भी है, मतलब कंपनी भाई को इसका नाम सिर्फ विटारा ही रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ विटारा रख सकते थे। हाँ। ग्रैंड विटारा। हाँ। ओहो क्या बात है, वैसे ग्रैंड भी है, अच्छी बात है। आयुष भाई थोड़ी सी अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, आप उधर से आ जाओ। तो यार एक और चीज मुझे पता लगी है, बेस वेरियंट में इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया है भाई। बिल्कुल भाई, आपके वाले दरवाजे पे मतलब कंडक्टर सीट, ड्राइवर सीट दोनों, डिग्गी में। ओ भाई साहब बेस वेरियंट में, और बेस वेरिएंट में ये देखो प्रीमियम ने ऐसे, तो फॉर्च्यूनर वाला लुक लग रहा है हल्का हल्का सा, है ना भाई। अब बता दो अंदर से क्या क्या काम करा दिया आपने? देखो भाई सबसे पहले तो अंदर घुसते ही आपको पता चला होगा, इसके अंदर मैंने पूरा जो है इंटीरियर में काम करवाया, ये जो पार्ट आपने जो बर्फी वाला डिजाइन जो बना हुआ है इस पे पूरा इंटीरियर का काम हुआ है, यहाँ पे कपड़ा चढ़ा है इस पे, ठीक है, ये पूरा मैंने आइस ग्रे मतलब व्हाइट कलर का जो है ये मैंने पूरा काम इसमें करवाया, मैं उतर के दिखाता हूँ। ये अच्छा लग रहा है यार, सीट कवर में आपने डुअल बिल्कुल बनवाया है, मतलब ये कुछ इस चीज से मैच करके मैंने बनवाया है, मेरे को थोड़ा ये अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई व्हाइट डलवाओ, थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा है लेकिन चीज जो है हचो बचो बनेगी, मतलब बढ़िया बनेगी। भाई सिस्टम आता है इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं, आगे दो स्पीकर आते हैं वो हटवा दिए थे मैंने, दो स्पीकर आते हैं लेकिन। हाँ। ये नहीं आती स्क्रीन? नहीं नहीं स्क्रीन, ये आपने इंस्टॉल कराई? बिल्कुल। अच्छा तो इसमें ये सारा काम भी इंक्लूड है जो 1,20,000 के? हाँ हाँ हाँ, एम्बिएंट लाइट, स्पीकर, डैम्पिंग और कैमरा वैमरा सारी चीज जितनी भी है सब इंक्लूड है भाई। मुझे इधर से ना वैसे अभी तक वो स्विच दिखा नहीं है, लेकिन ये जो है ना हेडलाइट का कंट्रोल लड़ रहा है, ठीक है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें पुश स्टार्ट बटन भी है क्या? बिल्कुल है। देखो मुझे ना ये हल्का कहा था भाई बाहर खड़े हो गए आप। हाँ, मुझे ये दिख रहा था बस, और मैं कहने लगा, मैंने कहा यार लग तो ऐसी रहा है। बिल्कुल भाई साहब बेस वेरिएंट में पुश स्टार्ट बटन, स्टार्ट स्टॉप वाला। हाँ, मतलब कहा एक टाइम पे मारुति सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं देती थी, कहा तो एक टाइम पे मारुति पावर विंडो भी नहीं देती, हेलीकॉप्टर वाला हैंडल घुमा ले रहा हूं। बिल्कुल भाई, स्टीयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है? जी हाँ भाई बिल्कुल टिल्ट मिल। अरे भैया अरे भैया मैं क्या देख रहा हूँ, ये बेस वेरिएंट में भाई, सच में उम्मीद नहीं थी मुझे इस चीज की। मैंने आपसे बाहर कह दिया था भैया आप विश्वास नहीं करोगे, ये बेस में इतनी चीजें दी थी ना कंपनी ने। हाँ। बंदा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बंदे को।
ये देखो ना आप बेस वेरिएंट में ये भी मिल रहे हैं। अरे भैया स्क्रीन नहीं मिलती, बटन दे रखे हैं। क्या कर रही है कंपनी? कंपनी ने दिए प्रीमियम प्रोडक्ट, ऐसे बोल बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन यार। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक होना बेस वेरिएंट में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं देता बेस, नहीं सेकंड में भी नहीं देते, नहीं देते। हाँ भैया आप मुझे बताओ आर्मरेस्ट आता है इसमें? आर्मरेस्ट आता है भैया, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है। अभी तो आगे देख रहे हो, पीछे और भी फीचर है। आओ पीछे दिखाओ पहले। मैं तो बोलूंगा भाई ग्रैंड विटारा अगर ले रहे हो ना, और अगर आपको चाहिए कि सस्ते में बढ़िया गाड़ी, ये अनलॉक नहीं हुई, सस्ते में अगर बढ़िया गाड़ी चाहिए तो भैया ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट उठा लो। ये लो पीछे रियर एसी वेंट्स, क्या बात है। ठीक है पीछे और कुछ दिखी आपको? दिख गया भाई, दिख गया विद टू कप होल्डर। बिल्कुल भाई साहब बहुत, तीसरी चीज नहीं दिखी होगी। बहुत अच्छा नहीं तीसरी नहीं दिखी, क्या है 30-40 स्प्लिट रेशियो, क्या बात है यार। आयुष भाई सही है यार, सही मोर्चा मार दिया। मतलब बेस वेरिएंट यार है इसका वर्थ। अब मैं अभी आपने बोला था ना कि वैल्यू फॉर मनी, अब तो है वैल्यू फॉर मनी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पावर सॉकेट तो नहीं, नहीं पावर सॉकेट पीछे आता नहीं, लगवाने को ये भी लग जाता है, जगह दे रखी है, वायरिंग भी अंदर, पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। हाँ आ जाओ आयुष भाई जरा बाहर ही, अब तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस पे। तो शिवम भाई अब मुझे ये बता दो, अंदर का तो हमने तामझाम देख लिया, और वाकई आपने जो बोला ना वैल्यू फॉर मनी, तो ये वैल्यू फॉर मनी तो भाई है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये बता दो, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं, तो इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको समझ आए हो? सबको पता है भाई, पहली चीज तो इसकी थोड़ी सी अंडर पावर है, थोड़ी सी मतलब मारुति के और नेचुरल एस्पिरेटेड आप इंजन देखोगे ना, अगर स्विफ्ट मान लो है ना, और वैगन आर छोटी गाड़ी है, अच्छी भक्ति है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें लगता है मेरे को लैग हल्का सा। लेकिन अगर आप 2000 RPM पे अपने ड्राइविंग करते हो, मतलब एक से सीधा आगे नहीं जाना चाहते, एक से ऊपर जाओ ना इनिशियल में, तो थोड़ा लैग देती है। दो से अगर आप ऊपर जाओगे तो पिकअप इसका भी बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसको 170-175 टच कर दी थी। ठीक है और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं? और कोई नेगेटिव मेरे को इससे लगता नहीं, मतलब इतने पैसों में जब इतनी कंपनी कुछ दे रही है तो अपने मन में कुछ नेगेटिव आ भी रहा हो ना, तो बंदा कहता है यार और क्या लेगा। हाँ जब इतना कुछ मिल गया। शिवम भाई मुझे बता दो लास्ट में क्या होता है अपनी वीडियो में, रेटिंग जरूर लेते हैं ओनर से उन्हीं की गाड़ी की। बिल्कुल और बिल्कुल जेन्युइन देना, ऐसे नहीं कि मेरी गाड़ी है तो दे दी। आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना पसंद करोगे? देखो भाई मैं सिर्फ एक चीज उसी के काटना चाहूंगा जो हल्की सी अंडर पावर, बाकी किसी के नहीं, किसी के भी नहीं भाई। मेरे को वर्थ लगती है गाड़ी, मैंने जितने पैसे दिए ना अभी तक तो टचवुड कोई भी मेरे को ऐसी चीज नहीं लगी कि ना कोई सर्विस में दिक्कत, ना कोई चलने में दिक्कत, ना कोई कुछ, तो यही है भाई मेरे को, मतलब बिल्कुल एकदम बढ़िया लगी गाड़ी। तो 9 नंबर देना चाहोगे? मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब कमेंट सेक्शन में जरा आप भी बता देना नेक्सा के इस प्रोडक्ट को, इस प्रीमियम प्रोडक्ट को, बेस वेरिएंट को, ग्रैंड विटारा को कितने नंबर देना पसंद करोगे। थैंक यू यार शिवम भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और शिवम भाई अब हम जरा वीडियो के लास्ट में ना ये भी बता दे कि आपसे हमारी मुलाकात कैसे हुई है, और एक हमारी 6 month चैलेंज जर्नी चल रही है बिल्कुल, जिसमें हमें डेली एक वीडियो अपलोड करना है, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपील कर दो आप पब्लिक से। बिल्कुल भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो एक ही दिन में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो बनानी बहुत मुश्किल होती है, तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल, कमेंट करो और शेयर करो चैनल को। अब ये बता दो पब्लिक को आपसे हमारी मुलाकात कैसे हुई? देखो भाई आप तो वीडियो बनाने आए थे, हल्का सा कैमरा उधर दिखाओ, हाँ सेल्टोस की, उस सेल्टोस की वीडियो बनाने आए थे भाई, आयुष दोस्त है मेरा, तो मतलब बात बात हुई कि भाई वीडियो बनाने आ रहे हैं तो मेरे रिव्यू करने, 1.5 महीने पुरानी गाड़ी है, मतलब ओनरशिप रिव्यू आपने कहा, तो हमने कहा ठीक है भाई मिलते हैं, तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हुई। हाँ जी तो भाई ये थे अपने साथ आयुष भाई, जिन्होंने अपनी ग्रैंड विटारा बेस वेरिएंट और अभी 3500 किलोमीटर के आसपास चली है, 1.5 महीने गाड़ी को हुआ है, लेकिन बेस टू टॉप भाई ने बना दिया, और मेरे हिसाब से भाई ने जो बोला ना वैल्यू फॉर मनी जो लाइन बोली थी, वो वाकई अब मुझे लग रही है जब मैंने इस गाड़ी को ऑब्जर्व किया अच्छे से देखा कि वैल्यू फॉर मनी क्यों है, क्योंकि टेल लैंप्स देख लो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स देख लो, चारों पावर विंडोज देख लो, आर्मरेस्ट आगे का भी पीछे का भी, विद टू कप होल्डर्स, और बहुत सारी तमाम, इंडिकेटर भी नहीं आता भाई, और भाई फेंडर पे इंडिकेटर भी नहीं है, क्या बात है, वो तो भाई वैल्यू फॉर मनी तो है। ऑटो फोल्ड मिरर भी है, वो भी भूल गए, फोल्ड मिरर है, हाँ ऑटो फोल्ड मिरर है कंपनी से। ओ भैया ये बेस वेरिएंट है यार, ये देख लो, तुम कोई और सा वेरिएंट तो नहीं उठा रहे बेस के पैसे देके? नहीं नहीं भाई बेस ही है। चलो यार शोरूम में जाओ यही मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।